गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉब्लम्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन हेक्सागोनल पिरामिड। अ हेक्सागोनल पिरामिड बेस साइड 30 mm एंड एक्सिस लेंथ 70 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड ऑफ बेस इन द HP। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस इफ अपेक्स इज 50 mm अबव द HP। आपको दिया हुआ है हेक्सागोनल पिरामिड, दिया हुआ है ऑफ साइड 30 mm एंड रेस्टिंग ऑन HP। ओके, रेस्टिंग ऑन साइड ऑन HP और साइड बोला 30 mm का, एक्सिस लेंथ दिया है 70 mm का और बोला ड्रॉ द प्रोजेक्शंस इफ द अपेक्स इज 50 mm अबव द HP। ओके, आपको बोला ड्रॉ द प्रोजेक्शंस इफ द अपेक्स इज 50 mm अबव द HP बोला हुआ है। फर्स्ट यू हैव टू माउंट योर हेक्सागोनल पिरामिड ऑन द साइड ऑन द HP। ठीक है, तो पहले मैं इसमें मेरा हेक्सागन नीचे आएगा और ट्रायंगुलर शेप ऊपर में आएगा, बिकॉज रेस्टिंग ऑन द HP बोला हुआ है। तो पहले मैं अपना स्टेज वन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने पहले एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी है। नाउ ऑफ कोर्स हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए आपको दो मेथड से, आप एंगल से कर सकते हो या फिर सर्कल मेथड से कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ ड्रॉ हेक्सागन बाय सर्कल मेथड से। ठीक है, आपका हेक्सागन बन गया रेस्टिंग ऑन द साइड ऑन द HP। अब उसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, मैंने उसके पोजीशंस ऊपर ले लिए हैं। आपको बोला एक्सिस हाइट दिया 70 का, आपको उसका एक्सिस का हाइट ड्रा करना है। एक्सिस का हाइट है, आपको उसको ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा यहां से, वो आपको उसके एजेस जॉइन करना है ट्रायंगल के। फ्रंट व्यू में आपको दिखेगा ट्रायंगल, आपने उसके एजेस को ड्रा करना है, आपका एक बेस हो जाएगा। और आपको जब दिखोगे फ्रंट व्यू से तो आपको दिखेगा ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, तो आपको दिखेगा एक एज O1, आपको ये दिखा O1। सपोज मेरा आपने नाम दे दिया 1 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो आपका ये हो गया मेरा 1 और 2, मेरा 3, मेरा 4, मेरा 5 और मेरा 6। तो आपको फ्रंट से दिखेगा 1 कॉर्नर 6 और 5, तो आपको O से 1 दिखेगा, आपको O से 6 दिखेगा, आपको O से 5 दिखेगा। तो मेरा जो एक्सिस का लाइन है वो ये मेरा वर्टिकल लाइन जो है वो मेरा एज डार्क हो जाएगा। तो मेरा एक फर्स्ट स्टेज हो गया, इसका मैंने नाम स्टेज 1। ठीक है, स्टेज 1 हो गया मेरा। एक्सिस का हाइट दिया है मुझे 70 का, जो मैं इधर शो करता हूं। मेरा एक्सिस का हाइट है 70 का। ठीक है, अब मुझे बोला ड्रॉ द प्रोजेक्शंस इफ अपेक्स इज 50 mm अबव द HP। ठीक है, ये मेरा कितने यहां से पूरा 70 है, मुझे इसको ऐसे टिल्ट करना है ताकि मेरा अपेक्स का आ जाएगा यहां से 50 mm अबव आ जाएगा। ठीक है, अबव द HP इज ऑलवेज अबव द HP, तो आपको अबव द HP आपको यहां से ऊपर ड्रा करना है। आपको ड्रा करना है उसका अपेक्स आना चाहिए मेरा एक्स वाई एक्सिस से 50 ऊपर आना चाहिए। ठीक है, आपको सिंपल करना क्या है, पहले आपको यहां 1 डैश आपको एक पॉइंट लेना है। मैंने पे 1 डैश लिया, आपको करना क्या है, आपको जो एक्स वाई लाइन है आपको एक्स वाई लाइन से ऊपर में एक लेवल मार्क करना है, एक लाइन जिसका कितना हाइट होगा 50 mm का। मैंने यहाँ से हाइट लिया 50 mm का, मैंने यहाँ पे एक अपना लेवल मार्क कर रहा हूँ, फ्रंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको इस लाइन पे सपोज आपका पॉइंट 1 डैश यहाँ पे, आपने पॉइंट पकड़ लिया 1 डैश यहाँ पे, आपको इस पॉइंट से यहाँ पे कितना मारना आप इतना डिस्टेंस का, तो आप कंपास लोगे, कंपास में लेंथ लोगे O-1', आप कंपास लोगे, कंपास में लेंथ लोगे 1 डैश टू 1 डैश टू O-1, आपका ये कंपास ये 1 डैश और 2 डैश, वो यहाँ से मारना है इतना लेंथ का, आप यहाँ पे आपका कट रहा है, यहाँ पे आपका यहाँ पे कट गया है। ठीक है, आपका ये हो गया O-, फिर आपको O-2 1-2 ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दिया, फिर आपका बचा 4-5, आपको कंपास लोगे, कंपास में लेंथ लोगे 1-4। ठीक है, इतना आपको इतना आर्क मारना यहाँ पे, अपने यहाँ से आर्क मार कर दिया, आपका आर्क कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आपको करना है O-4, आपको O-4, आपको वापस एक आर्क मारना है O-, आपका O-, आपको O- से लेके आपको आर्क मारना है 4- वाला, जो आपका आर्क आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है डिस्टेंस, ये मेरा हो गया आपस से ट्राइंगल तैयार। और आपको यहाँ पे एक बीच में आपको एक मारना है 1-3, आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, आपको वापस से ए लाइन जॉइन करना है इसका सेंटर। ठीक है, आपका एक्सिस भी है,
आपका एक्सिस भी है, तो आपने आपका जो डिस्टेंस ये हाइट है, ये मेरा हाइट है, हाउ मच 50 एमएम अबाउट द एच पी, तो पाई 50 हो गया। ठीक है, आपका भी 1 डैश 2 डैश है, ए 3 डैश है, ए 4 डैश है, पाई डैश है और सिंगल डैश है, ओ डैश। ठीक है, आपको भी इसके वर्टिकल पोजीशंस ड्रा करना है। पहले मैं यहां से पहले सबके पोजीशंस ड्रा कर रहा हूं, वर्टिकल फ्रंट लाइंस ड्रा करना है आपको सबके। मैंने पोजीशंस ड्रा कर दिए हैं, आपको सारे पॉइंट जो है 1 डैश सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 आपको सारे पॉइंट्स से भी पोजीशंस ड्रा करना है, और सारे पॉइंट्स आप पोजीशंस ड्रा करोगे हॉरिजॉन्टल। मैंने 3 से ले लिया है, मेरा 4 और 2 मेरा एक लाइन पे है, आपको सिंपल 2 से ड्रा करते भी चलेगा। आपका एक्सिस लाइन है, इसको आपको ड्रा करना है। आपका 1 पॉइंट का पोजीशन ड्रा करना है, आपका बचा लास्ट 6 पॉइंट, आपको 6 पॉइंट से पोजीशंस ड्रा करना है। ओके, मैंने सारे पॉइंट्स पोजीशंस लाइन ड्रा कर दिए हैं, आपको भी सारे पॉइंट्स लोकेट करना है, वो सिंपल है। ओके, मेरा ओ डैश यहां पे, मेरा ओ पॉइंट मेरा, ओके मैंने अभी पूरा काम खत्म नहीं किया, आपको टॉप से दिख रहा है, आपको सारे पॉइंट्स दिखेंगे, आपको सारे लाइंस क्रॉस करना है पहले टॉप से, आपको सारे आपको लाइंस दिखेंगे, एजेस दिखेंगे, आपको सारे पहले लाइंस सारे पॉइंट्स को जॉइन करना है। ठीक है, अपने मेरा ये ओ पॉइंट हो गया। ठीक है, मेरा ओ यहां से आ रहा है, मेरा ओ पॉइंट ऊपर से मेरा ओ यहां पे हो गया। नाउ मेरा ओ 1 पॉइंट यहां से मेरा आगे आ रहा है स्ट्रेट, मेरा 1 यहां से आ रहा है, मेरा यहां पे हो गया 1 पॉइंट। ठीक है, मेरा 2 पॉइंट यहां से आ गया, मेरा 2 यहां से आ रहा है, मेरा हो गया 2 पॉइंट। मेरा 3 पॉइंट यहां से जा रहा है, मेरा 3 यहां से आ रहा है, मेरा हो गया 3 पॉइंट। मेरा 4 पॉइंट यहां से जा रहा है, मेरा 4 यहां से आ रहा है, मेरा हो गया 4। मेरा 5 पॉइंट यहां से जा रहा है, मेरा 5 पॉइंट ऊपर से नीचे आ रहा है, मेरा हो गया 5 पॉइंट। ओके, मेरा 6 पॉइंट यहां से जा रहा है, मेरा 6 पॉइंट नीचे आ रहा है, मेरा हो गया 6 पॉइंट। अब अपना नेक्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये है, यू हैव टू ड्रॉ द आउटलाइन फर्स्ट। जो भी मेरे सारे पॉइंट्स बाहर फैले हुए हैं, आपको सारे पॉइंट्स एक आउटलाइन ड्रा करना है, जो बाहर के पॉइंट्स है। मेरा 4 और 5 मेरा बाहर है, मैंने उसका एक लाइन ड्रा कर दिया। फिर मेरा 3 और 4 बाहर है, मैंने उसका एक लाइन ड्रा कर दिया। मेरा 5 और 6 बाहर है, मैंने उसका ड्रा कर दिया। आपको ऑब्जर्वर रखना है। फर्स्ट आप रखोगे ऑब्जर्वर को, मैंने मेरा ऑब्जर्वर रख दिया है। ओके, अब जाओगे बेस की तरफ, बेस ड्रॉ करना है पहले। तो अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे, मेरा बेस ऐसा है, तो माय बेस इज फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मेरा बेस ऑब्जर्वर से बहुत दूर है, तो उसके लिए बेस इनविजिबल है, तो माय बेस इज फुली इनविजिबल। ठीक है, मेरा 1 2 3 4 5 6 मेरे सारे पॉइंट्स रहेंगे डॉट डैश रहेंगे, बट बाय डिफॉल्ट जो मेरे डार्क हो गए वो डार्क हो गए, वो छोड़ दूंगा मैं, बाकी मुझे क्या डॉट करना है। मेरा पॉइंट कहाँ पे, मेरा 1 2 जो अंदर में वो डॉट रहेगा उसमें डॉट करो। जो मेरे ऑब्जर्वर के पास में है तो जिसे मेरा ए वाला जो एज है O2 4 5 वो मेरे ऑब्जर्वर के पास में, वो मुझे दिखेगा, और जो मेरा एजेस है O2 3 और 6 जो एक्सिस के ऊपर है वो दिखेगा। ठीक है, जो मेरा एज एक्सिस के ऊपर है और जो मेरा एजेस ऑब्जर्वर के पास में वो दिखेंगे, जो दूर है वो रहेगा इनविजिबल। मेरा जो एजेस है O2 4 O2 5 वो मुझे दिख रहा है, तो मेरा रहेगा डार्क। ठीक है, O2 4 O2 5 मेरा डार्क दिखेगा, एंड O2 3 O2 6 मुझे दिखेगा, बाकी मेरा O2 1 O2 2 मेरा डॉट रहेगा। तो मुझे करना है डार्क O2 4, मेरा O2 4 डार्क रहेगा, तो मैं O2 पहले में कौन सा डार्क, मेरा O2 4 डार्क रहेगा, डार्क कर दिया, और मेरा O2 5 भी डार्क रहेगा, और मैंने डार्क कर दिया।
O5 में डाल कर दिया है। नाउ मेरा O23 और O26 डालेगा, मेरा O26 बाय डिफॉल्ट डार्क हो गया है, मेरा O26 डार्क हो गया है, O23 में डार्क हो गया। बचा मेरा अभी O21 O22, मेरे डॉट रहेंगे तो मुझे O22 और O21 डॉट करना है। मेरा A मेरा हो गया O22 जो मुझे डॉट करना है। मैं अभी इनकी डैश लाइंस ड्रा कर दी, मेरा O22 है और मेरा O21 जो मेरा डैश रहेगा। तो मेरा स्टेज टू हो गया है। तो हमें दिया था हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ साइड 30 mm रेस्टिंग ऑन द साइड ऑन द एचपी, और कहा था एक्सिस 70 mm, कहा था ड्रॉ द प्रोजेक्शन इफ द अपेक्सिस 50 mm अबाउट द एचपी। हमने मेरा स्टेज वन और स्टेज टू ड्रॉ कर दिया। ये मेरा फ्रंट व्यू है और ये मेरा टॉप है। आपको एग्जाम में प्रॉब्लम पूछते हैं ऐसे वाले, इसको मैं करता हूँ वेरी IMP, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। आपको प्रॉब्लम पूछते एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच।